हेलो, मैं शालिनी अबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नवनी थर्डे बुक सेकंड स्टैंडर्ड का कंप्लीट जो बुक हम लोगों ने सॉल्व किया है, ताकि आप लोगों को समझे भी कि आपको क्या करना है इसमें और आप लोगों को सारे आंसर्स भी एक ही वीडियो में मिल जाए। ओके, तो राइमिंग वर्ड्स कैट राइम्स में देखो, यहाँ पर आप लोगों को कैट ऑरेंज कलर ऑल अदर वर्ड्स इन ब्लू। तो जो कैट के जो राइमिंग वर्ड्स है ना, जैसे कैट, मैट, हैट, सैट, उसको ऑरेंज कलर करना है और जो बाकी के जो है वर्ड उन्हें ब्लू कलर करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है। तो कैट का राइमिंग वर्ड है उसको ऑरेंज, और जो दूसरे वर्ड्स है उनको ब्लू कलर करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ना आप लोगों को दिया हुआ है वर्ड बिल्डिंग, तो मेक 3, 4 और 5 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर है ना आप लोगों को एक वर्ड दिया हुआ है पब्लिकेशंस। तो अभी ये जो पब्लिकेशंस है ना, तो इसमें के अल्फाबेट्स यूज करके हम लोगों को 3 लेटर, 4 लेटर और 5 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अभी CAT कैट, BAT बैट, NOT नॉट, SAT सैट, ओके। फिर पुट, बन, सन, लायन, सायन, सन, देन बस, BUS, इसी में के चाहिए, बाहर के नहीं ले सकते आप लोग अल्फाबेट्स। ACT एक्ट, पॉट, लॉट, गब, सॉरी कब, टैब, कैब, पॉट, टंस, सोप, ओके। और इसमें और आप लोग इसमें एक्शन भी यूज ले सकते हैं, ACTION एक्शन, ठीक है, 5 लेटर वर्ड। तो इस तरह से आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया है, लेकिन समझ के करने में मजा ही कुछ और होता है। यानी आगे भी सेम है ये 3, 4 और 5 वर्ड्स, एनसाइक्लोपीडिया जो है इसमें के ही हम लोगों को वर्ड यूज करने हैं। तो CYCLE साइकिल, साइकिल, फिर LAND लैंड, LAND लैंड, PEN पेन, नाइफ, एंड अलोन, ALONE अलोन, देन पाई, पोल, क्लोन, देन पॉड, आइस, वन, ओपन, पेड़, पॉन्ड, कोन, डन, लैप, क्लैप, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने एनसाइक्लोपीडिया में से शब्द बनाए हैं। आप लोगों को अगर दूसरे भी वर्ड्स मिलते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो दिए हैं वही आपको भी दूसरे कोई वर्ड्स उसमें मिल रहे हैं तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगेन सेम है ये रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में के ही अल्फाबेट यूज करके हम लोग को बनाने हैं। तो शिप, शॉप, पेन, स्टॉप, पॉट, रॉट, फिर लेट, LATE लेट, एंड टेन, रोस, उसके बाद है नोज, रोप, रोट, रेट, RATE रेट, SHARP शार्प, आर्ट, स्टोन, रेन, नॉट, एंड टैन, एंड लायन, ओके। है ना इजी, अभी लग रहा है ना समझ में आने के बाद बहुत आसान। अभी यहाँ पर हमें दिया है पैराग्राफ राइटिंग क्लीनलीनेस। तो यहाँ पे आप लोगों को पैराग्राफ दिए हुए हैं, वो पैराग्राफ्स आप लोगों को कॉपी करके नीचे लिखने हैं। वी मस्ट ब्रश अवर टीथ डेली, रोज ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट हैव अ बाथ एवरी डे, हर रोज नहाना चाहिए। वी मस्ट कॉम्ब अवर हेयर नीटली, हम लोगों को अच्छे से बाल बनाने चाहिए। वी मस्ट कट एंड क्लीन अवर नेल्स, हमारे नाखून हमें काटने चाहिए। वी मस्ट कवर अवर नोज एंड माउथ व्हेन वी कॉफ, नीज और याउन, अभी जब भी हम लोगों को सर्दी खांसी होती है या हम लोग छींकते हैं या फिर बगासे लेते हैं ना, याउनिंग करते हैं जांभई घेने, तभी भी हम लोगों को अपने मुंह पे हाथ रखना चाहिए। वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने के पहले हाथ साफ धोने चाहिए। वी मस्ट थ्रो रबिश इन अ डस्टबिन, कचरा जो होता है वो डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। वी मस्ट कीप अवर बुक्स नीट एंड टाइडी, हमारी जो बुक्स है उसे हमें बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए और बहुत ही क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए, ठीक है। तो कोई क्या कहता है, इसे लिखते हैं बुक में, कुछ भी ड्राइंग निकालते हैं या फिर इसे पन्ने फोल्ड करते, तो वेरी बैड, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। गुड हैबिट्स में अभी हम लोगों को यहाँ पर कहा है वी मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी मस्ट प्रे टू गॉड, सबसे पहले उठते ही भगवान को प्रे करना चाहिए। वी मस्ट पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज एवरीडे, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड और सीट इरेक्ट, कभी भी हम लोगों को सीधा खड़े रहते समय भी स्ट्रेट, एंड बैठते समय भी ऐसे इरेक्टली बैठना चाहिए। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, हमें अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए। वी मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम,
समय पर स्कूल में जाना चाहिए, वी मस्ट डू अवर होमवर्क रेगुलरली, हम लोगों को हमेशा रेगुलर हर रोज होमवर्क करना ही चाहिए, वी मस्ट गो टू बेड अर्ली एट नाइट, और रात को जल्दी सोने के लिए भी जाना चाहिए. ओके, तो ये हो गए हमारे गुड हैबिट्स. अभी इसके बाद है द पोस्टमैन. पोस्टमैन के ऊपर हम लोगों को इन्होंने लिखने के लिए कहा है, द पोस्टमैन इज वन ऑफ अवर कम्युनिटी हेल्पर. तो कम्युनिटी हेल्पर में पोस्टमैन भी आता है. वी वेयर ही वेयर्स अ ब्लू पैंट एंड अ लाइट ब्लू शर्ट. तो ये है उसका यूनिफॉर्म. ओके, ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर डिलीवरिंग ग्रीटिंग कार्ड. अभी वो घर घर पे जाके जिस किसी ने भी उनको भेजा हुआ है तो क्या क्या देता है, वो ग्रीटिंग कार्ड देता है, मनी ऑर्डर देता है, पार्सल्स देता है, लेटर्स देता है, एटसेट्रा. इन विलेजेस पीपल वेट ईगरली फॉर द पोस्टमैन. जहाँ पर मोबाइल वगैरह की फैसिलिटीज नहीं होती ना, तो वो लोग पोस्टमैन का ही वेट करते हैं कि वो कुछ ना कुछ चिट्ठी जरूर लेके आएगा. ही रीड्स आउट द लेटर्स टू द विलेजर्स. और वो विलेज के लोग जो होते हैं ना, उन लोग को पढ़ा लिखा आना मुश्किल होता है, इसलिए वो उन्हें लेटर पढ़ के भी सुनाता है. Thus the postman works throughout the year, be it sun, rain or cold, he serves the community with love. चाहे कड़ी धूप हो, चाहे बारिश गिरती हो, चाहे ठंडी हो कड़ाके की, लेकिन वो अपना काम जो है ना बहुत ही प्यार से करता है. ऐसे नहीं कि अरे धूप है मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे नहीं करता. ठीक है, तो वो अपना जो काम है बहुत प्यार से करता है. ठीक है, अभी आगे जो है वो एलिफेंट है. द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लैंड एनिमल्स. तो सारे लैंड एनिमल्स में से सबसे बड़ा एनिमल अगर कोई है तो वो है एलिफेंट. इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक इन प्लेस ऑफ अ नोज. उसके नाक की जगह पे उसको क्या है, एक लंबा सा ट्रंक है, सोंड बोलते ना उसको वो. इट हैज टू वाइट लॉन्ग टस्क्स कॉल्ड आइवरी. उसके जो दांत होते हैं ना इसे बाहर, उसको आइवरी कहते हैं. इट हैज टू फैन लाइक ईयर्स. उसके जो कान होते हैं ना, वो बड़े बड़े होते हैं पंखों के जैसे. इट्स लेग्स आर लाइक फोर ह्यूज पिलर्स. उसके जो पैर है वैसे चार बड़े बड़े खंभों के जैसे है. द एलिफेंट यूजेस इट्स टस्क्स टू कैरी हैवी लॉग्स ऑफ वुड्स. अभी उसके जो टस्क होते हैं ना उस पर वो क्या करता है, हेवी जो लॉग्स ऑफ वुड्स यानी जो लकड़ियाँ होती है ना, पेड़ कटी हुई जो लकड़ियाँ होती है ना, वो उस अपने वो टस्क के ऊपर लेके जाके वो ड्रॉप करता है. इट्स टस्क्स आर यूज टू मेक एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स. अभी हाथी के जो दांत होते हैं ना, उससे बहुत ही महंगे महंगे गहने बनाए जाते हैं. अंगूठी बोलो या फिर बंगड़ियाँ, चूड़ी बोलो, तो ऐसे महंगे महंगे चीज़ें उससे बनाए जाते हैं. इट ईट्स ड्राई हे, लीव्स एंड शुगर केन. दे आर फाउंड मोस्टली इन द फॉरेस्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. तो लोग क्या खाते हैं, हे पत्ते और शुगर केन यानी गन्ना, गन्ना खाते हैं. और वो कहाँ पर दिखाई देते हैं हम लोग को, एशिया एंड अफ्रीका में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं. अभी जॉइन द डॉट्स सीरियली फ्रॉम 1 to 40 एंड देन कलर द पिक्चर. अभी यहाँ पर देखो आपको पिक्चर दिया हुआ है डक का. तो वन कहाँ पे है बेबी, वन 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 कहाँ है, ये रहा वन. तो वन से हमें डॉट ज्वाइन करने स्टार्ट करने हैं. तो वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ऐसे करते 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 40 तक आना है हम लोग को. ठीक है, फिर उसके बाद उसे हमें कलर करना है. फ्रॉग है तो सब शेप पता चला, फ्रॉग है तो हम लोग उसको फ्रॉग का कलर करेंगे, है क्या नहीं. और फिर ये जो आजू बाजू में है उसे भी सब कलर कर दो. ओके, और ये जो है ना, ये जगह यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लू कलर कर देना, तो ऐसे लगे कि पानी में बैठा है फ्रॉग. या फिर ब्राउन करो, मिट्टी में बैठा है, क्या है उसमें. अभी IQ फाइंड द डिफरेंस, स्पॉट 10 डिफरेंसेस इन द फॉलोइंग पिक्चर. अभी यहाँ पर पिक्चर दिए हैं हमें दो, एक ये पिक्चर है और एक पिक्चर ये है. ठीक है, अभी इन दोनों में हम लोगों को ना 10 डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, जो यहाँ पर दिए हुए हैं ऑलरेडी देखो, 1, 2, फिर यहाँ पे तो निकाल ही दिए है इस बच्ची ने चित्र. देखो ये है ये. अभी देखो मैं इसको जूम आउट करूँ तो पता चलेगा हमें, दोनों पिक्चर एक साथ दिखेंगे ना, तो हम लोग डिफरेंस भी फाइंड आउट कर पाएंगे. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे एक ही बर्ड है, यहाँ पे 3 बर्ड है. और यहाँ पे एक क्लाउड नहीं है, और यहाँ पे घर नहीं है, यहाँ पे सन नहीं है. और यहाँ पे जो 3 पेड़ है, यहाँ पे 2 ही है, 2 ही है. फिर यहाँ पे एक ही घर है, एक ही घर है, यहाँ पे एक घर नहीं है. तो ये देखो घर, फिर यहाँ पे भी एक घर गायब है. ठीक है, अभी यहाँ पे जो है एक पेड़ गायब है, ये देखो ये वाला पेड़ वो गायब है. और
ये जो बोट है ना, ये बोट इसमें का ये वाला गायब है देखो, और ये हुआ, और क्या है भाई, हो गए क्या 10? ये हो गया, आई थिंक हो गए है 10। ठीक है, और कुछ रह भी गया होगा तो अभी तुम लोग ढूंढ सकते हैं क्या नहीं। हाँ तो ठीक है, पेज नंबर 12 में IQ कलर क्रॉसवर्ड में चूज द कलर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट सॉल्व द पजल। ठीक है, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। तो अक्रॉस, अभी यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं हम लोगों ने, उसे कलर भी किया है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे नाम भी लिखा, जैसे ये ग्रीन है, GREEN, ग्रीन। वन जो है ये वाला कौन सा कलर है, पर्पल, देखो यहाँ पे पर्पल। फोर येलो, ओके, फिर इसी तरह से 5 में ऑरेंज, फिर 6 ब्लू, लिखना है और कलर करना है उसको, ठीक है, और हाँ रेड 2, ये देखो चेरी रेड, ओके। अभी ये आगे जो दिया हुआ है ना, वर्ड पाथ SH, तो SH आपको हर एक वर्ड के आगे लगाना है, पीछे लगाना है। हेल्प टेक आउट दी ट्रैश, एड SH टू दी लेटर्स इन ईच बॉक्स, कलर दी बॉक्सेस दैट हैव रियल वर्ड्स टू मेक अ पाथ टू दी ट्रैश। अभी देखो यहाँ पर जैसे पजल होता है वैसे ही दिया है उन्होंने, यहाँ से कचरा है उसे हमें फेंकना है डस्टबिन में, तो कैसे हम लोग जाएंगे। तो अभी हर एक वर्ड के आगे हम लोगों ने SH लगाया है, और इसमें का जो मीनिंगफुल वर्ड्स है उसी को कलर करना है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, जैसे डैशिश, लेश, तो इसका नहीं करना है हमें कलर, जिसका मीनिंग है उसी का कलर करना है। फिर ये जो कलर किया हुआ है, फिर हम लोग जैसे पजल हम लोगों ने सॉल्व किया है यहाँ पे, फिर हम लोग आए, ठीक है, तो वो हिसाब से आप कलर करना। देखो भाई ये बच्चों का बुक्स है, ये मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, मैं आपको खाली एक्सप्लेन करूँगा, पेज नंबर 13 का है, ओके। इसी तरह से सेम भी यहाँ पर दिया हुआ है, सेम स्टार्टिंग में यहाँ पे CH लगाना है हमें, और फिर वर्ड्स लिखा के पाथ करके हम लोगों को यहाँ तक आना है। अगर यहाँ पर जो दिया हुआ है कलर दी शेप्स, ये देखा ना तुम लोगों ने, सेम है ये भी, ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया है कलर दी शेप्स, कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू दी कोड। अभी देखो यहाँ पर इन्होंने है ना कुछ कोड दिए हैं, अभी यहाँ पे जो स्क्वायर है उसे ग्रीन करना है, सर्कल है जितने भी उसमें येलो कलर करना है, स्टार है उसमें जितने भी उसको ब्लू ही कलर करना है, ट्रायंगल है उसे ऑरेंज कलर करना है, रेक्टेंगल है उसको ब्राउन कलर करना है, और जो हार्ट शेप में है उसको रेड कलर करना है। तो अभी जैसे एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हमने कलर किया, जैसे भी यहाँ पे स्टार है तो उसको ब्लू कलर करने के लिए कहा है तो हमने ब्लू किया है, सर्कल है देखो उसको येलो करने के लिए कहा है तो येलो, ट्रायंगल को उन्होंने कहा है ऑरेंज करने के लिए तो यहाँ पे ऑरेंज किया हुआ है ना, ये देखो, समझ गए ना तुम लोग। तो वो हिसाब से यहाँ पर तुम लोगों को कलर करना है, हार्ट है उसको रेड कलर करना है, ब्राउन कलर करना है रेक्टेंगल शेप को, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया तुम लोग को इसको कैसे कलर करना है और कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, ओके। अभी उसके बाद जो है ना ये वाला जो है IQ क्रैक द कोड, यूज द कोड टू सॉल्व द रिडल, राइट अ लेटर फॉर ईच पिक्चर सिंबल, द फर्स्ट वन हैज डन फॉर यू, रिडल, व्हाट काइंड ऑफ कप कांट यू ड्रिंक फ्रॉम। अभी ऐसा कौन सा कप है जिसमें से तुम लोग पी नहीं सकते हो कुछ भी, ओके। तो ये उन्होंने हमें रिडल दिया हुआ है। अभी देखो ये है ना बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो अभी यहाँ पर ये क्या क्या इन लोगों ने अल्फाबेट दिए, ACEIKPSTU, और हर एक अल्फाबेट को एक ड्रॉइंग दिया है उन्होंने। अभी ए जहाँ पर भी मिलेगा हम लोग को वहाँ पर ये आएगा, सी ये चित्र है वहाँ पर, ई ये ड्रॉइंग है वहाँ पे, आई है, तो ऐसे हमें समझ के। अभी यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है देखो, ये एक है यहाँ पे आई दिया है, तो ये वाला पिक्चर है आई, सर्कल, टी लिखा हमने यहाँ पे। अभी ये जो ड्रॉइंग है उसका अल्फाबेट कौन सा है, एस, तो एस लिखा, इट्स। अभी ये जो है वो है, ये ए है इसका मतलब। अभी इसी तरह से इन्होंने जो भी हमें ड्राइंग्स दिए है वो हिसाब से आप अभी फाइंड आउट करना उसको, कप केक आता है, कप केक में से हम लोग कुछ भी पी सकते हैं क्या, हम लोग तो कप केक खा सकते हैं क्या, नहीं तो है ना, ये रिडल सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से ये जो है देखो, सी, फिर स्टार है यू, फिर ये है पिकअप, फिर ये सी ए के, और ये है ई, कप केक, समझ गए, अभी लग रहा है आसान, वेरी गुड। अभी यहाँ पर इन्होंने कहा है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है 10 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, नोज, शोल्डर, आई, स्टमक यानी पेट, माउथ, मुंह, फिंगर, उंगलियाँ, हेड, दिमाग, सिर, हैंड, हाथ, लेग, पैर, ईयर, कान,
ठीक है। तो अभी यही इसमें से ढूंढ के ना हम लोगों को यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह के आगे के भी पजल्स है। अभी यहाँ पर इन्होंने हमें कहा है बर्ड्स के नाम ढूंढने के लिए, तो पिकॉक, क्रो, स्पैरो, पिजन, ओल, ऑस्ट्रिच, देन पिजन हो गया, ईगल है, डक है, और पिकॉक हो गया, ईगल, डक, ओल, पिजन, यस, स्पैरो, स्पैरो भी है, ये देखो यहाँ पे है स्पैरो, ओके। तो इसी तरह से आप लोग को ढूंढ के फिर यहाँ पे नीचे लिखना भी है, ओके, गॉट इट। अभी यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन्होंने जू एनिमल एंड बर्ड्स, जो जू में होते हैं, प्राणी संग्रहालय में, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, टाइगर, लायन, जिराफ, पैरट, लियोपर्ड, एलिफेंट, पिकॉक, पैरट हो गया, जिराफ हो गया, डियर, ईगल, मंकी, ओके। और जो जो भी ढूंढे हैं हमने उनके नाम यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अभी आगे है मैथ रिवीजन। अभी राइट द एक्सपांडेड फॉर्म। अभी एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना, 143, 100 प्लस 40 प्लस 3, ओके। तो ये है एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना। फिर उसके बाद राइट नंबर नेम्स, तो जैसे भी नंबर दिए हैं उनके नाम लिखने हैं हमें। उसके बाद नीचे दिया है फिल इन दी बॉक्सेस। अभी देखो ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन और इक्वल टू सिंबल्स। तो 22 और 11 प्लस 11, अभी ये 22 नंबर भी 22 है, 11 प्लस 11 करेंगे तो इसका आंसर भी 22 है, तो इसका साइन आएगा इक्वल टू। अभी 0 प्लस 9 कितना होता है टोटल, 9, 19 होता है, 1 9 19, तो 9 इज लेस देन 19 एंड 19 इज ग्रेटर देन 9, ओके। और 70 प्लस 5 होते हैं 75, और यहाँ पे दिए है 70, तो 70 इज लेस देन 75, तो ये ऐसे, ठीक है। हमारे जो एक सर होते ना, जो लहान त्याला बान बोलते थे, जो छोटा है उसको तीर मारो, ऐसे, तो वो बराबर याद में है हमको। अभी 7 प्लस 7 14, अभी 24 माइनस 10 इज ऑल्सो 14, तो आया इक्वल टू 4 × 4, 4 × 4 = 16। अभी 20 माइनस 10 तो ये है 10, ये कैसे किया भाई इसने बच्चे ने, ये ऐसे आएगा, ठीक है, बिकॉज 60, अरे मैं क्या कर रही हूँ, नहीं ऐसे नहीं, तो इट मीन्स 16 इज ग्रेटर देन 10, ओके। अभी नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने कहा है फन विथ नंबर, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम एंड क्रॉस द लीस्ट नंबर्स। जो छोटे नंबर है उन्हें क्रॉस करना है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसे सर्कल करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर नंबर दिए हम लोग को 172, 163, 170 एंड 60। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, तो 70, और ये है छोटे नंबर्स, तो इन्हें हम करेंगे क्रॉस। अभी यहाँ पे 48, 175, तो 100 इज ग्रेट है, सबसे बड़ा नंबर है, और ये है छोटे नंबर्स, तो इन्हें हम करेंगे क्रॉस। अभी यहाँ पे 163 सबसे बड़ा नंबर है और ये छोटे नंबर है, इसके लिए हम इन्हें करेंगे क्रॉस। आप लोग प्रॉपरली और अच्छे से करना, ओके। 161 सबसे बड़ा नंबर है और ये सब छोटे नंबर हैं, तो हम इसे करेंगे क्रॉस। 82, 128, 138 सबसे बड़ा नंबर है और ये सब छोटे नंबर है, इसके लिए हम इन्हें करेंगे क्रॉस। समझ गए, खबर पड़ी कि नहीं। अभी सेम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है फिल इन दी बॉक्सेस, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू सिंबल्स। 33 माइनस 12 कितने होते हैं, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 और 63, तो ये छोटा हो गया ऑब्वियसली। अभी 44 प्लस 3 कितने होते हैं, 44, 45, 46, 47, तो 47 एंड 10 प्लस 10 हो गए 20, तो कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस है अभी तो समझ गए तुम लोग। अभी 0 0 0 बने, कितने भी जीरो दे भाई, 1000 जीरो देंगे तो भी उसका वैल्यू जीरो ही है, तो 0 0 0 प्लस 4 है तो वो सिर्फ 4 ही गिना जाएगा, एंड 5 प्लस 5 होते हैं 10, तो
10 इज ग्रेटर देन 4, उसके बाद है 2 + 2 + 2 6 एंड 6 तो इक्वल टू हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एड एंड सब्ट्रैक्ट, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है आप लोगों को, तो सिर्फ ये सॉल्व करते समय आप लोगों को साइन देखने हैं प्लस और माइनस कहाँ पे है और वो हिसाब से आपको ये सॉल्व करने हैं सम। अगर ये सॉल्व किया हुआ देखना है आपको तो आप लोग वो वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने पेज नंबर 22 सॉल्व करके बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो सिर्फ क्या है, साइन देखना है, एडिशन किसे है, कैसे करते हैं, और एडिशन का साइन जहाँ पे है वहाँ पे ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन है वहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करना है, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है मैथ ऑर्डिनल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अभी देखो ये जो पिक्चर है ना, बच्चों को समझ में नहीं आया, अभी ये एक यहाँ पे बस स्टॉप है, दिखाया ना यहाँ पे बस स्टॉप, और बस स्टॉप में यहाँ पे लाइन से बच्चे खड़े हैं बस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो उन्हें नंबर दिया है 1 to 10 बच्चों को, उन्हें नाम भी दिए हुए, 1 नंबर पे है वो खड़ा है राहुल, 2 नंबर पे सीमा, 3 में है जेनी, 4 पे लता, 5 पे ध्रुव, 6 पे है शिवा, 7 में है सलमा, 8 में अनीता, 9 में है बिनॉय एंड 10 में है पिया, ओके। अभी उनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी सीरियल ऑर्डर में दिया हुआ है, नंबर दिए हैं सीरियल ऑर्डर में दिए हुए हैं। अभी इन्होंने हमें यहाँ पर नीचे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में राहुल इज डैश इन द क्यू। अभी राहुल नाम कहाँ पे है भाई ढूंढो, तो राहुल कहाँ पे है, पहले नंबर पे है, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, राहुल इज फर्स्ट इन द क्यू। अभी डैश इज स्टैंडिंग आफ्टर फोर्थ, आफ्टर फोर्थ यानी फोर्थ के आगे खड़ा है, कौन खड़ा है, फोर्थ नंबर कौन है, लता, फोर्थ के आगे कौन खड़ा है, ध्रुव। तो क्वेश्चन समझो, तो ध्रुव है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ध्रुव इज स्टैंडिंग आफ्टर फोर्थ। सीमा इज सेकेंड इन द क्यू, कहाँ पे है सीमा, ये देखो सेकेंड नंबर पे है, तो सीमा इज सेकेंड इन द क्यू। लता इज फोर्थ इन द क्यू, लता कहाँ पे है भाई, ये रही लता, लता फोर्थ पे है, तो हमने लिखा फोर्थ इन द क्यू। फिर इसी तरह से डैश इज स्टैंडिंग थर्ड इन द क्यू, जेनी, थर्ड कौन खड़ा है, थर्ड में है जेनी, तो हमने लिखा यहाँ पे जेनी। अनिता इज एट्थ इन द क्यू, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, इतना ही लिखना है आप लोग को, कुछ बताया नहीं है, ओके। समझ गया है आप लोग, इजी लग रहा है आपको अभी, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पर इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए, सॉल्व द फॉलोइंग, आई हैड 8 रुपीज, फादर गेव मी 7 रुपीज, हाउ मेनी रुपीज डू आई हैव नाउ। तो हम इसे करेंगे एडिशन, 8 + 7 = 15, तो हो गया 15 रुपीज। आई हैव 10 बैंगल्स, मेरे पास 10 बंगड़ी है, हाउ मेनी मोर बैंगल्स आर नीडेड टू मेक 19 बैंगल्स। अभी मेरे पास 10 बैंगल्स है, तो मुझे और कितने बैंगल्स में लूंगी, तो मेरे पास 19 बैंगल्स होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 19 में से माइनस करने पड़ेंगे 10 बैंगल्स, तो हमें कितने बैंगल्स चाहिए, 9 बैंगल्स। अभी ये जो बच्ची है इसने किया है गलत किया है, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 9 बैंगल्स, ठीक है। तो उसके बाद है आफ्टर टेकिंग आउट 4 पेंसिल्स फ्रॉम अ बॉक्स 12 वेर लेफ्ट इन इट, 4 पेंसिल्स ले लिए बॉक्स में से, अभी उसमें कितने बचे हैं, 12 पेंसिल्स। हाउ मेनी पेंसिल्स वेर देयर इन द बॉक्स बिफोर, तो इसके पहले उसमें कितने पेंसिल्स थे, तो 12 + 4 करेंगे हम लोग, तो 16 हमें आंसर मिलेगा, तो 16 पेंसिल्स थे उसमें। आई हैव 17 एप्पल्स, मेरे पास 17 एप्पल्स है, आई गेव 7 एप्पल्स टू माई फ्रेंड, तो उसमें के 7 एप्पल्स जो थे मैंने मेरे फ्रेंड को दे दिए। हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विथ मी, तो अभी इसमें हम लोग करेंगे 17 - 10, तो कितने बचे, 10 एप्पल्स बचे।
ओके अभी यहाँ पर है देयर वेयर 8 बॉयज एंड सम गर्ल्स, 8 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉज 16, कुल मिलाकर 16 बच्चे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर, तो हमें हम क्या करेंगे, 16 माइनस 8 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8। कुल मिलाकर अमाउंट दिया है हमें और 8 बॉयज है वो भी दिया है, तो लड़कियां कितनी बची फिर, तो 8 लड़कियां बची, तो माइनस किया हम लोगों ने, ठीक है, टोटल अमाउंट में से, टोटल कैलकुलेशन में से। देर आर 10 वाइट शर्ट्स एंड 7 कलर्ड शर्ट्स, 10 वाइट कलर के शर्ट्स है और 7 कलरफुल शर्ट्स है। हाउ मेनी शर्ट्स आर देयर इन ऑल, तो कुल मिलाकर कितने शर्ट्स हुए, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे पहले 10 जो है वो वाइट एंड प्लस 7 जो है वो कलर्ड, तो कुल मिला के हो गए 17, तो हमें आंसर मिला है 17। आई लॉस्ट 4 आउट ऑफ 17 मार्बल्स, आपके पास 17 मार्बल्स थे गोटियाँ, उसमें के 4 जो थे वो खो गए। हाउ मेनी मार्बल्स आर लेफ्ट विथ मी नाउ, तो अभी हम लोग करेंगे 17 माइनस 4, तो फिर कितने बचे आपके पास, 7 में से 4 गए 3, 1 के 1 13, तो हमें आंसर मिलता है 13। गॉट इट, गुड। अभी देखो यहाँ पर है ना, ये भी बड़ा मज़ेदार है और बच्चों को समझ में भी नहीं आया है, पेरेंट्स लोगों को भी समझ में नहीं आया है, तो मैं समझाती हूँ ना, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे बैठी हुई। तो अभी देखो यहाँ पर है ना, मैथ मेज एडिशन दिया हुआ है, फॉलो द मैथ मेज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, सॉल्व द एडिशन प्रॉब्लम एज यू गो, राइट द फाइनल सम इन द स्टार बर्स्ट। अभी देखो ये जो है ना सम कैसे है, पजल के जैसा है, ओके मेज हम लोग सॉल्व करते हैं ना वैसे। अभी यहाँ से हमने स्टार्ट किया है क्या नहीं, तो अभी यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को, 4 प्लस 9, 9 टोटल आए 13, 13 प्लस 6, 6 में 13 में 6 ऐड किया तो हो गए 19, 19 प्लस 5, 5 हो गए 24, 0 मीन्स नथिंग, प्लस 2 26, प्लस 8, फिर जो नंबर आया उसमें प्लस 7 किया तो टोटल हमें आंसर मिला है 41। तो ऐसे जाना है हम लोगों को, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी दिए हैं इन्होंने, तो हमने सब्ट्रैक्शन भी किया है, 100 में से माइनस 23 फिर आंसर मिला, उसमें से माइनस 36 फिर उसमें से माइनस 4 किया टोटल में से, उसमें के टोटल में से माइनस 1 किया, उसके टोटल में से माइनस 8 किया, उसके टोटल में से माइनस 9 किया, उसके टोटल में से माइनस 13 एंड देन हमको आंसर मिलता है 6, ठीक है। और कोई कैलकुलेटर लेके नहीं करेगा, सब लोग अपने दिमाग से करेंगे। अभी इसी तरह से हम लोग को मेज दिया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों मिला के, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने 14 प्लस 47 किया तो मिले 61, में से माइनस किया 33 तो मिले 28, 28 प्लस 55 किया तो आंसर आया फिर 83, 83 प्लस 26 किया तो आंसर आया 109, 109 में से माइनस किए 92 तो हमें मिलते हैं 17, 17 प्लस करना है 63 तो हमें मिलते हैं 80, 80 माइनस 75 करो तो आंसर आया 5। समझ गए, अभी इजी लग रहा है, वेरी गुड। हाँ ये भी एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार था भाई, जरा मुझे भी इसके लिए दिमाग लगाना पड़ा था। तो मैथ 4 स्क्वायर, लुक एट द नंबर पजल एंड सी हाउ द लाइंस आर शेप्ड अराउंड ईच नंबर, दीज लाइन शेप्स आर यूज्ड इन द प्रॉब्लम्स बिलो इंस्टेड ऑफ नंबर्स, फॉर ईच प्रॉब्लम फाइंड द सेम लाइन शेप इन द नंबर पजल्स, राइट दोज नंबर्स एंड फाइंड द सम। बहुत लोग क्या करते पता है, ये सब पढ़ने की तो फुर्सत होती नहीं है उन लोगों के पास, सीधा ये देखेंगे ये देखेंगे, अरे हे भगवान अभी इसमें क्या करना है, अभी क्या करना है, दिमाग लगाते बैठेंगे। अगर ये पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना तुम लोग को, तो वही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग का पढ़ते नहीं है इसके लिए समझता नहीं है तुम लोग को। अभी देखो, अभी यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, देखो यहाँ पे एक प्लस बनाया है, ठीक है, अभी यहाँ पे नंबर है 3, 5, 6, 7। अभी एक एग्जांपल इन्होंने हिंट के तौर पे दिया है कि ये जो एंगल है इसका वैल्यू है 3, इसी तरह से ये वाला जो एंगल है वो है 5, ऐसा जो एंगल आएगा वो है 6
और ऐसा एंगल आता है वो है 7। तो उसी एंगल्स के हिसाब से हम लोग इसको नंबर देंगे। अभी एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, ये जो एंगल है 3, ये वाला है 5, है ना 5, तो टोटल आया 8। अभी ये जो एंगल है ये है 6, हमने लिखा है पे 6, प्लस फिर से सेम एंगल है 6, 12, समझ गए ना, इजी लग रहा है। अभी इसी तरह से हर एक एंगल के हिसाब से, अभी ये जो है राइट एंगल, सब राइट एंगल ही है वो, तो अभी 5 है इसका वैल्यू, कहाँ पे है वो, किस साइड में है वो उसका नंबर है, कैसा एंगल इसका वो नंबर, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने हमें दे दिए हैं नंबर्स, तो उसी का हमें एडिशन करना है। तो सेम मेथड है, सारे एडिशंस हम लोगों ने उसी हिसाब से किए हुए है। एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत ही ईजी लग रहा होगा ये सब। अभी यहाँ पर इन्होंने हमें दिया हुआ है ग्रामर, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस, तो बहुत सिंपल है। एक है वो स्टार है, बहुत सारे है वो स्टार्स है, एक है ब्रूम, बहुत सारे ब्रूम्स, एक है टेलीफोन और बहुत सारे टेलीफोन्स, बनाना बनानास, सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी बहुत सारे, मोर देन वन इज प्लूरल, ओके। अम्ब्रेला अम्ब्रेलास, कैरेट कैरेट्स, नर नर्सेस, नर्स नर्सेस, हट हट्स, है ना इजी। अभी यहां पर भी जो दिया है ना इन लोगों ने, ग्रामर एक्शन वर्ड वॉप, कुछ एक्शंस दिए हुए हम लोगों को यहां पर लोगों के, लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल 10 वर्ब्स इन द पजल। अभी यहां पर ये लड़का चिल्ला रहा है, समझ में आता है हमें, यहाँ पे मम्मी खाना पका रही है, यहाँ पे पोस्टमैन है, यहाँ पे लड़की जो है स्किपिंग कर रही है, यहाँ पे लड़का पढ़ रहा है, ये स्विमिंग कर रहा है, ये लोग फाइटिंग कर रहे हैं, ये बर्ड है उड़ रहा है, ये झाड़ू मार रहा है, स्वीपर है, और ये जो है वो क्या कर रही है, ड्राइंग निकाल रही है। ये पिक्चर्स देखे हम लोगों ने, अभी इसके हिसाब से ही हम लोगों को यहाँ पर इन लोगों ने कुछ वर्ड्स दिए है, ठीक है, क्रॉस वर्ड्स में। तो अभी हमें फाइंड आउट कर रहा है कि भाई एक पिक्चर जो है ना, वो पिक्चर में हम लोग को क्या क्या दिख रहा है। तो शाउट यानी चिल्लाना, अभी ये लड़का कर रहा है शाउट। स्विम, रीड, स्वीप झाड़ू मारना, ड्रॉ कलर करना, फाइट झगड़ा करना, फ्लाई उड़ना, नॉक्स नॉक करना दरवाजे पे, पोस्टमैन नॉक कर रहा है ना यहाँ पे, नॉक नॉक दिया है ना यहाँ पे, फिर उसके बाद है स्किप कुक, स्किप और कुक, अभी तो तुम लोग समझ गए, है ना इजी। हाँ, अभी आगे जो दिया है डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव्स, तो अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द पुअर वुमन हैज मेनी चिल्ड्रन। अभी एडजेक्टिव्स में क्या आता है, पुअर और ये मैनी। जैक एट अ वोल लोफ, तो वोल इज द एडजेक्टिव। देर आर मैनी ग्रीन बनानास इन अ प्लेट। आई नो अ फनी लिटिल मैन, फनी लिटिल। टीना इज अ फैट ग्रीडी गर्ल। रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। It was a bright sunny day. Fill in the blanks with the suitable describing words. अभी इसमें ना आप लोगों को आपके हिसाब से words suitable जो होता है वो डालना है। जैसे that plant has many beautiful flowers. Many. The plant has कलरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर, ज़्यादा बैठेगा कलरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये मेरी थॉट है। जॉन इज अ स्मार्ट बॉय। नितिन लिव्स इन अ वेरी बिग हाउस। वेरी, आई थिंक वेरी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉमा दिया है ना। तो ये है ना, मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, देखो, नितिन लिव्स इन अ कलरफुल बिग हाउस, मैरी हैज अ लॉन्ग ब्यूटीफुल ड्रेस,
मिसिस मेहता इज अ ओल्ड लेडी. द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली. दिस इज एन ओल्ड बुक. एंड दिया है तो ए ई आई ओ यू वोवल्स वाले वर्ड से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है. देर आर मैनी प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम. ओके. अभी आगे दिया है पंक्चुएशन. द मनसून इन इंडिया इज फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. द मनसून इन इंडिया इज इंडिया आई कैपिटल आएगा इज फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. देखो इस बच्ची ने कैसे किया है. जून जे यू एन ई जून का जे कैपिटल आएगा एंड सेप्टेम्बर का एस कैपिटल ही आएगा. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. व्हेन आर मैरी एंड जोसेफ. मैरी का एम कैपिटल आएगा जोसेफ का जे कैपिटल आएगा. विजिटिंग इन अ ताजमहल इन आगरा. ताज का टी कैपिटल आएगा. ताजमहल इन आगरा का ए कैपिटल आएगा. ओके. राम रहीम एंड टॉम वेयर रीडिंग अ बुक ऑन गांधी. ये बराबर है. उसके बाद है मिस्टर लोबो एंड मिसिस फर्नांडिस. मिस्टर के बाद आएगा डॉट. लोबो एंड मिसिस के बाद भी आएगा डॉट. फर्नांडिस विजिटेड सेंट जोसेफ हाई स्कूल ऑन ट्यूसडे. ये बराबर है. उसके बाद है व्हेन विल यू वेक अप इन द मॉर्निंग मिस्टर रमेश टू लीव फॉर दिल्ली. फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल. व्हेन विल यू वेक अप इन द मॉर्निंग मिस्टर रमेश आर कैपिटल टू लीव फॉर दिल्ली का डी कैपिटल आएगा. और एक क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क देना भूलना मत. ओके. अभी यहाँ पर इन्होंने हमें दिया हुआ है कॉम्पोजिट स्टोरी राइटिंग. स्टोरी तो हमें पता है लेकिन यहाँ पे क्या करना है वो पता होना जरूरी है. ठीक है. तो चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. अभी यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. एंग्रीली क्राइंग डिडंट फूलिंग ग्रेज्ड लाइज शीप शेफर्ड एंड विलेजर्स एंड वुल्फ. द बॉय हु क्राइड वुल्फ. अभी जो लड़का जो जिसने वुल्फ के नाम से जोर जोर से आवाजें लगाई हुई थी. तो अभी यहाँ पर इन्होंने हमने जो स्टोरी दी हुई है ना तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसमें हम लोगों को इसमें के ही वर्ड्स सिलेक्ट करके सूटेबल कहाँ कहाँ पर वो बैठता है सेंटेंस में वो हमें लिखना है. ठीक है. अभी जैसे अभी मैं डायरेक्ट रीड करके बता रही हूँ तुम लोग को. अ शेफर्ड बॉय टुक हीज शीप एवरी डे टू अ हिल. शेफर्ड बॉय यानी जो बकरियाँ चराने के लिए लेके जाते हैं ना उन्हें शेफर्ड बॉय कहते हैं. तो एक बार हिल पे बकरियों को चराने के लिए लेके गया था. देर द शीप ग्रेज्ड क्वाइटली. तो जो शीप्स थे वो वहाँ पे चुपचाप वो चर रहे थे. घास जो है वो चर रहे थे. द बॉय डिसाइडेड टू हैव सम फन. अभी लड़का बैठ बैठ के बोर रहा था उसने सोचा कुछ तो मजा करते हैं. वन डे ही शाउटेड वुल्फ वुल्फ. द विलेजर्स लिव्ड नियर बाय केम रनिंग. एक दिन ऐसे बोला ऐसे चल मजा करते हैं जोर जोर से चिल्लाया वुल्फ आया वुल्फ आया. तो सारे जो विलेजर्स थे आजू बाजू में काम कर रहे थे सब लोग दौड़ के आ गए. वेर इज द वुल्फ. सबने पूछा घबरा के कहाँ गया वुल्फ कहाँ है वुल्फ कहाँ है. दे आस्क्ड आई वॉज ओनली फूलिंग यू. द बॉय लाफ्ड. अभी लड़के ने क्या कहा अरे मैं तो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा था. ऐसे बोल के वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा. द विलेजर्स वेंट अवे एंग्रीली. और जो गांव के लोग थे वो गुस्से में सब जन चले गए. क्या फालतू लड़का है हम लोग काम छोड़ के आए इसको मदद करने के लिए और ये आने के बाद बोलता है कि मैंने मजा किया तुम लोग के साथ में. ऐसे करके गुस्सा करके वो लोग जो थे गांव के लोग थे वो चले गए. ठीक है. वन डे अ वुल्फ रियली केम. और एक दिन क्या हो गया सच्ची में वुल्फ आ गया. ठीक है. और वुल्फ आता है क्या करता है वो बकरियों को उठा के लेके जाता है.
तो वन डे अ वुल्फ रियली केम, इट किल्ड वन शीप, और उसने एक बकरी को भी मार दिया. द बॉय शाउटेड वुल्फ वुल्फ. अभी वो लड़का फिर से चिल्लाया जोर जोर से, तभी तो सच्ची में आया था वुल्फ 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 करके जोर जोर से चिल्लाया. द विलेजर सेड द बॉय इज फूलिंग अस अगेन. अभी तो गांव के लोग क्या बोले, हाँ अभी देखो ये फिर से हमें बेवकूफ़ बनाने लगा है. तो ऐसे बोल के कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं गए. दे डिडंट केम टू हेल्प हिम. तो कोई भी नहीं गया. अरे जाएगा हम लोग तो हंसेंगे, फिर से हम लोगों पे हंसेगा और बोलेगा मैं हम लोगों मैंने आप लोग को फूल बनाया, उल्लू बनाया. तो इसके लिए कोई भी नहीं गया उसको मदद करने के लिए. द बॉय सैट क्राइंग एज द वुल्फ रेन अवे विद द डेड शीप. अभी वो लड़का रोते बैठ गया क्योंकि वो जो वुल्फ था वो एक बकरी को मार के, शीप को मार के वो अपने साथ लेके चला गया. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर टेल लाइज इवन फॉर फन. कभी भी मस्ती मजाक में भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो ये है मोरल ऑफ द स्टोरी. उसके बाद है यहाँ पर है कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन में हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे रीड करने हैं हमें और यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस. अ फार्मर वंस गॉट अ गूज दैट लेड गोल्डन एग्स. एक जो किसान था, फार्मर था, उसको एक गूज मिला तो वो सोने के अंडे देती थी. एवरी डे द गूज लेड वन एग. हर रोज एक सोने का अंडा देती थी वो गूज. द फार्मर सोल्ड द एग्स एंड बिकेम वेरी रिच. अभी वो जो फार्मर था वो रोज अंडा बेचता था और ऐसे करते करते सोने का अंडा रोज अगर मिले उसको तो वो बेच बेच के वो पैसे वाला हो गया. ही वॉज वेरी हैप्पी. बहुत खुश था वो. द फार्मर्स वाइफ वॉज ग्रीडी. उसकी जो बीवी थी वो बहुत ही लालची थी. She thought the goose was a magical goose full of eggs. तो उसने क्या सोचा कि अरे ये जो है ना गूज, ऐसा लगता है जादुई गूज है. ठीक है, और है ना ये इसके अंदर है ना बहुत सारे सोने के अंडे होंगे. She told her husband that if they kill the goose, they would get all the eggs at once. हर रोज वो सोने का एक अंडा देगी, फिर वो हम लोग एक अंडा बेचेंगे, इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे उसे मार डालते हैं और उसके अंदर जितने भी सोने के अंडे हैं सब हम लोग निकाल लेते हैं. ऐसे आइडिया उसने अपने पति को दिया. सो द फार्मर किल्ड द गूज. और बीवी की बात मान के फार्मर ने भी वो गूज जो था उसको मार दिया. ही सर्च्ड इनसाइड द गूज बट कुडंट फाइंड एनी एग. अभी उसने ढूंढा गूज के अंदर कहाँ पे है सोने के अंडे, लेकिन उसके अंदर एक भी अंडा नहीं था. The two of them were very sad that they had been so greedy. तो फिर वो लोग दोनों जन बहुत दुखी हो गए. तो हर रोज जो सोने का अंडा मिलता था वो भी गया, वो गूज भी गया और लोगों को कुछ भी नहीं मिला. तो लालच का अंजाम क्या हुआ, बुरा. What kind of goose did the farmer get? कौन सा गूज मिला था फार्मर को? A farmer once got a goose that laid गोल्डन एग्स. तो ये है इसका आंसर पैराग्राफ में. हाउ डिड द फार्मर गेट रिच? एवरीडे ही हाउ डिड द फार्मर गेट रिच? एवरीडे द गूज लेड वन एग. इनकम्प्लीट है ये आंसर. द फार्मर सोल्ड द एग्स एंड बिकेम वेरी रिच. ये है इसका आंसर. यहाँ तक आना चाहिए ये वाला आंसर. एवरी डे गूज लेड वन एग और आगे आंसर आएगा ये. द फार्मर सोल्ड द एग्स. द फार्मर सोल्ड है ना बेचना, सोल्ड द एग्स एंड बिकम रिच एंड बिकेम
वेरी रिच, RICH, रिच। अभी ये हो गया कंप्लीट आंसर। व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ वांट टू वांट द गूस किल्ड, द फार्मर सोल्ड द एग्स एंड, अरे ये क्या आंसर लिखा है इस बच्ची ने, है ना। क्या होता है ना, तुम लोगों को सवाल का मतलब नहीं समझता, इसके लिए जवाब गलत सिलेक्ट करते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो हाउ डिड द फार्मर गेट रिच, एवरी डे द गूस लेड वन एग, द फार्मर सोल्ड द एग्स एंड बिकम वेरी रिच। व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ वॉन्ट द गूस किल्ड, तो फार्मर की बीवी थी ना, वो उसे गूस को क्यों मारना चाहती थी। अभी ये ना नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज से डायरेक्ट स्टार्ट करो तुम लोग। द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू किल द गूस बिकॉज शी थॉट द गूस वॉज अ मैजिकल मैजिकल गूस फुल ऑफ एग्स। देखो यहाँ पर ही है आंसर, ठीक है। उसके बाद आएगा गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबव स्टोरी, तो अभी कोई भी टाइटल दो, ग्रीडी फार्मर, गोल्डन एग, ग्रीडी फार्मर्स वाइफ, ग्रीडी फार्मर एंड हिज वाइफ, ऐसे कुछ भी लिखो, गोल्डन एग लिखो। उसके बाद दिया है कॉम्प्रिहेंशन, रीड द फॉलोइंग पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। There was once a poor woodsman and his wife whose son was not much bigger than a thumb. एक woodman था, woodsman था, और उसकी बीवी थी, उसको एक लड़का था, वो उसकी हाइट कितनी थी मालूम है, एक थंब के जितनी थी, एक उंगली के जितना, अंगूठे के जितना। They called him Tom Thumb. They gave him plenty of food, yet he never grow bigger. उसको बहुत खिलाया उन लोगों ने के बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ा। ही रिमेन्ड जस्ट द सेम साइज एज वैन ही वॉज बॉर्न, तो जिस साइज में वो पैदा हुआ था वो हमेशा उसी साइज में रहा, वो कभी ग्रो हुआ ही नहीं, बड़ा हुआ ही नहीं। वन डे द वुड्समैन वॉज गेटिंग रेडी टू गो इन टू द फॉरेस्ट टू कट वुड फॉर अ फ्यूल, तो एक दिन जो वुड्समैन था वो जंगल में जा रहा था, जाने वाला था लकड़ियाँ काट के लाने के लिए, लगती है ना घर में जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए वगैरह। तो ही सेड अलाउड, तो उसने जोर से कहा, आई विश आई हैड समवन टू ब्रिंग द कार्ट आफ्टर मी फॉर आई वांट टू मेक हेस्ट, तो उसने जोर से कहा कि मेरे पीछे कोई तो ये कार्ड तो अभी उसने क्या कहा, जोर से चिल्ला के, अभी वो जंगल में जा रहा है तो वो लकड़ी लेके जाने के लिए कार्ट लगेगी ना उसको, तो वो बोलता है कि आई विश अगर कोई मेरे लिए वो कार्ट लेकर आएगा और आई वॉन्ट टू मेक हेस्ट, यानी जल्दी से मैं वो वहाँ से वापस आ जाऊँगा ऐसे। फिर ओ फादर क्राइड टॉम, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, तो टॉम ने कहा कि मैं इसके बारे में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। द कार्ट शाल बी इन द वुड By the time you want it, तो जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो कार्ट की वो आपके पास होगा। If my mother will only hitch the horse to the cart, I will get into his ear. अभी जब भी वो मम्मी वो कार्ट को घोड़े बांधेगी तभी मैं वो घोड़े के कान में कहूँगा and tell him which way to go, और मैं उनसे उन्हें direction दूंगा कि उन्हें किस ओर जाना है, ठीक है। अभी वो बेचारा है इतना थंब की जितना, वो क्या कर सकता है क्या नहीं। तो अभी इसी के ऊपर हम लोग को यहाँ पर उन लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स में दिए हुए हैं सेंटेंस। तो टॉम वॉज नॉट बिगर देन अ थंब, द वुड्समैन वॉज गोइंग टू द फॉरेस्ट, द वुड्समैन वुड कट वुड फॉर फ्यूल, फ्यूल ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, द वुड्समैन वॉन्टेड समवन टू ब्रिंग द कार्ट आफ्टर हिम, Tom would sit in the ear for the horse. हाँ, तो घोड़ों के कान में वो बोलेगा, ओके? तो इस तरह से अभी यहाँ पर जो है ना, जिसमें तुम लोग की हमेशा बैंड बजते रहती है पिक्चर कॉम्पोजिशन में, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट फ्यू सेंटेंस, तो यहाँ पर हमें क्रिसमस
के बारे में दिखाया गया है इस पिक्चर में। यहाँ पे सांता क्लोज में बच्चों को गिफ्ट दे रहा है और यहाँ पे जो जीजस क्रिस्ट है उनका जन्म हुआ है, ये सब हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाए हुए हैं। तो क्रिसमस फॉल्स इन 25 दिसंबर इन द होल वर्ल्ड, 25 दिसंबर को होता है। जीजस क्रिस्ट वॉज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ फॉरगिवनेस। पीपल सिंग डांस एंड मीट ईच अदर ड्यूरिंग क्रिसमस, सब नाचते हैं गाते हैं। पीपल ऑल्सो ऑफर गिफ्ट्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। चिल्ड्रन एंजॉय द डे ऑफ क्रिसमस इन द मोस्ट एक्साइटिंग मैनर। ओके, और आपको कुछ अच्छा इसमें लिख सकते तो लिखिएगा, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कॉपी करेंगे। फिर पिक्चर कॉम्पोजिशन में ऑब्जर्व द पिक्चर राइट फ्यू सेंटेंस में, यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है, थैंक यू टीचर लिखा है टीचर्स डे के बारे में, बच्चे जो है टीचर को ग्रीटिंग दे रहे हैं, और यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है उनका फोटो दिखाई दिया है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर टीचर्स डे के बारे में लिखना है। ऑन 5 सितंबर टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड, इट मेक्स आई कैपिटल आएगा, इट मार्क्स लिखा है, इट मेक्स MAKES, इट मेक्स इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दिस डे हॉनर एंड रिस्पेक्ट्स ऑल द टीचर्स, स्कूल सेलिब्रेट दिस डे विथ ग्रेट जॉय, स्टूडेंट ऑल्सो ऑफर गिफ्ट्स टू देयर टीचर। तो स्टूडेंट भी जो है वो गिफ्ट देते हैं टीचर्स को। उसके बाद है कौन बनेगा स्कॉलर, तो यहाँ पे कुछ क्विज टाइप क्वेश्चन दिए, उसके आंसर सीखने हैं। राइट द करेक्ट आंसर, विच स्पोर्ट इज सचिन तेंदुलकर फेमस फॉर, तो क्रिकेट। विच ऑर्गन हेल्प अस टू टेस्ट गुड फूड, सॉरी टंग। विच इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली। विच फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, मैंगो। विच एनिमल इज कॉल्ड शीप ऑफ द डेजर्ट, कैमल। विच व्हाट इज द यंग वन ऑफ ईगल कॉल्ड, ईगलेट्स। Which house is built with block of ice, igloo? Igloo यानी क्या होता है, वो बर्फ का घर होता है, ठीक है। Then where do Parsis worship? कहाँ पे वो लोग worship करते हैं, जैसे हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो लोग मस्जिद में जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से पारसी लोग जो है वो लोग प्रेयर करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, तो उसे कहते हैं अग्यारी। ओके, बहुत कम बच्चों को पता है ये, तो प्लीज आप लोग ये याद रखना। उसके बाद आगे दिया हुआ है इन लोगों ने हमें कौन बनेगा स्कॉलर में, सेम है ये भी, राइट द करेक्ट आंसर में, वेयर डू सिक्स वर्शिप, जो सिख होते हैं वो लोग कहाँ पर जाते हैं, ये भाई किसने लिख दिया है यहाँ पे चर्च, तो वो होता है गुरुद्वारा। सिख जो होते हैं वो लोग गुरुद्वारा में जाते हैं। ये है ना सब क्वेश्चन नहीं समझने का नतीजा है। ओके, ये है गुरुद्वारा। उसके बाद है Which is the festival of lights? Diwali. What is the capital of India? New Delhi. Which animal lives in a burrow? तो वो है rabbit. What is the young one of a goose called? तो वो है gander. क्या gander? Gander ही होगा maybe. ठीक है. तो who makes furniture for us? तो वो है carpenter. Which is the national flower of India? वो है लोटस, कमल, कमल का फूल जो है वो है नेशनल फ्लावर। उसके बाद है व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन इंडिया, तो इंडिया में हम लोग रुपीज यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 40, लास्ट पेज, राइट द करेक्ट आंसर सेम, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इज जनगण मन। ओके, उसके बाद है वो डिजाइन्स एंड प्लान्स अवर बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग होते हैं बड़े बड़े तो उसको डिजाइन कौन करता है, तो वो होते हैं आर्किटेक्ट। ओके, व्हाट इज द फीमेल लायन कॉल्ड, लायनेस। जो लायन जो होता है वो मेल आदमी होता है, लायनेस यानी औरत होती है लायन में की, तो उसे लायनेस कहते हैं। व्हाट इज द यंग वन ऑफ डक कॉल्ड, डक के बच्चे को क्या कहते हैं, डकलिंग कहते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो, रेनबो यानी क्या, रेनबो यानी इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं, तो 7 कलर्स होते हैं। Then, who lives in a honeycomb? Honeycomb में कौन रहते हैं भाई, तो हमें तो पता ही है कि bees रहते हैं, honey bee, है ना। फिर उसके बाद है, how many legs does
अ फ्लाई हैव, फ्लाई यानी मक्खी, मक्खी को कितने पैर होते हैं, तो होते हैं 6 पैर होते हैं, ठीक है, नहीं पता तुम लोग को, तो मक्खी आएगी ना घर पे तो गिन के देखना उसके पैर कितने होते हैं, ठीक है। विच एनिमल लिव इन अ डेन, कौन रहता है डेन में, अ लायन। वेयर मस्ट वी क्रॉस द रोड, हम लोग रोड जब क्रॉस करते हैं ना तो कहाँ से क्रॉस करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग झेब्रा क्रॉसिंग में से, ठीक है। तो ये थे ना आप लोगों के आईक्यू के क्वीज थे सारे, ओके। तो इस तरह से हमारा जो है नवनीत हॉलीडे बुक 2, मैंने आप लोगों को पूरा बुक एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो भाई मेरा तो भाई एक ही है तरीका कि बच्चों को समझा कर सॉल्व करना चाहिए, जब भी सवाल कोई सॉल्व करते हैं तो समझ के करना चाहिए, तो ही फायदा है। वरना अपना देखे, हाँ चलो शालिनी मैम ने डाला है, सारे आंसर्स रेडीमेड मिल गए हम लोग को, तो सवाल समझने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। जो मेरे बच्चे हैं ना वो कम्प्लीटली नॉलेजेबल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो भी आप लोगों को समझ के जब लिखते हैं ना तो देखो वो मजा ही अलग होता है, और बिना समझे टेंशन में हम लोग लिखते हैं ना तो वो समझ में नहीं आता कुछ भी, ठीक है। तो चलो देन भाई, अभी प्लीज कोई अभी मैसेज मत करना मुझे, पेज नंबर 22, 21, 25 सारे पेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।